कि यार सेफ्टन बार चलें, बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पे ज्यादा हैं तो इनको यूथ चाहिए। किधर लेके जा रहे हो? ओशन सी पे लेके जा रहे हो। 4 से 5 मंथ बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। जगह बहुत अच्छी जगह है जी। तो बुरान भी आपको जगह कैसी एक्सप्लोर की थी, आप अकेले थे यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मुझे निशा जलानी कहते हैं आप सबको, एक और मिक्सर के ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हमारे बुरान भी हमें लेके जा रहे हैं सेफ्टन बर्ग। बुरान भी कह रहे हैं कि यार सेफ्टन बर्ग चलेंगे। कैसा लगा आपको पहला बाहर आना अरुण भाई? ठीक लगा यार। अच्छा है ना, प्यारा मुल्क है ना। मान भाई आप क्या कहते हो? अच्छा मुल्क है। तो यार ये मुल्क अच्छा है, इसमें लोग भी अब अच्छे आ गए, तो अब इसको थोड़े 4 चांद लगेंगे। पहले इसमें लोग जो है ना अच्छे नहीं थे, ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पे ज्यादा हैं तो इनको यूथ चाहिए थी, ऐसी यूथ माशाल्लाह ऐसी, तो इसलिए अब यूथ आई है यहाँ पे। यार तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेफ्टनबर्ग, हमारे बुरान भी हमें लीड कर रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगता है कोटबस से अगर हम लोग सेफ्टनबर्ग जाते हैं तो। बुरान भी के कहने पर सिर्फ जा रहे हैं, अगर जगह अच्छी नहीं हुई। यार तो बिल्कुल अभी हम लोग उतरे हैं सेफ्टनबर्ग में, यहाँ से आगे हमें फिर एक बस लेनी है आज। ये हमें रिवर पे लेके जा रहे हैं बुरान भाई की फरमाइश पे, हम लोग रिवर पे जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हो? ओशन सी पे लेके जा रहे हैं। वाह बुरान भाई, यार मैच्योर बातें करनी है प्लीज। आप कौन सा कोई इधर हदीसा पढ़ के सुना रहे हो? यार बुरान भाई ने हमें गाड़ी पे लेके जाना था लेकिन गाड़ी तो आई नहीं है, तो पैदल ही चलना पड़ा। हरुण भाई कैसा फील कर रहे हो? ये बुरान भी अपनी जुबान से पीछे हटे ना, क्योंकि बुरान भी ने कहा था कि मैं आपको गाड़ी में लेके जाऊंगा और ये अभी हम पैदल लेके जा रहे हैं। शायद उनको खुद नहीं पता है, बाय द वे हम तो तैयार हैं पैदल चलने के लिए, लेकिन इन्होंने बताया तो आपको पता नहीं। मैं तो रनर ऐसे काफी अच्छी जगह बुरान भी लेके आए, बुरान भी क्वालिटी है हर जगह, इन्होंने जर्मनी में फिर लिया, कोई ऐसी कनेक्शन बना लिए हैं, अब इन्होंने जगह पे भी जाना है, पता होगा आपको। इंटरनेशनल कनेक्शन पूरा, प्लीज गलती मत करो, इंटरनेशनल कनेक्शन के बहुत ज्यादा है। अच्छी जगह है ये, काफी प्यारी जगह लेके आए हमें, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस भी है सेफ्टनबर्ग में, तो हमें उधर आना नहीं होता तो इसलिए हमें उसका पता भी नहीं है। तो बिल्कुल अभी हम लोग पहुंचे सेफ्टनबर्ग। बुरान भाई ने जितना चलाया ना, अल्लाह ही माफ करे, बुरान भाई के कहने पे आए थे, चलो अच्छी जगह अच्छी होनी चाहिए, क्यों अरुण भाई? बिल्कुल, बुरान भाई को माफ कर देंगे हम लोग। यार वैसे बहुत ही प्यारी जगह है, सर्दी अब हल्की हल्की जर्मनी में आना शुरू हो गई है, आप कह सकते हो कि अब ऑलमोस्ट अक्टूबर है तो अब आके सर्दी आई है, तो 4 से 5 मंथ बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, मतलब गर्मी थी, अच्छी खासी गर्मी भी हुई है बीच में, और पिछले 2 मंथ बहुत ही अच्छा वेदर था, अभी सर्दी होना शुरू होगी दोबारा से, तो काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ व्यू वगैरह, लेकिन एक दफ़ा मैं पहले टॉप पे चला जाऊँ। कैसी लगी आपको जगह? बहुत अच्छी जगह है जी ये, तरबेला डैम पार्ट 2। तो आप शुक्रिया अदा करो बुरान जी, सॉरी, आपको इतनी अच्छी जगह लेके आया रावल जी। रावल जी ये वो इंसान है जिनको गाड़ी का पता नहीं था और कह रहे थे 20 मिनट वेट करो, उसके बाद कहते हैं पैदल चलो। यार झूठ बोल रहा है, इतने 20 मिनट मैंने वेट का नहीं करवाया, सिर्फ 5 मिनट वेट कीजिए उसके बाद इनको ले आया हूँ। तो बुरान भी आपको जगह कैसी एक्सप्लोर की थी, आप अकेले थे यहाँ पे? यार ये देखो ये कितनी प्यारी जगह है वैसे, हाँ थोड़ा धूप होती ना तो ज़्यादा प्यारी लगती है, अभी धूप तो खैर सर्दियों में ईद वाले दिन ही निकलती है, बहुत कम निकलती है जर्मनी में धूप, जो रहते हैं उनको पता होगा सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है, इस पानी में तुमने ड्राइवर और ही कुछ तुम्हारा निकल जाना है। खैर काफ़ी अच्छी जगह, उफ कितना वैसे डरावना सा लग रहा है यार ये भी। यार देखो रात हो चुकी है, रात का इधर का व्यू थोड़ा बस गुजारे टाइप है, मतलब इतना नहीं कह सकते कि बहुत प्यारा है, कोई इतनी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग कोई नहीं हुई भी, लेकिन फिर भी गुजारे लायक है। बुरान भाई ने नहीं छोड़ना तो मैच नहीं छोड़ना, कोहली अगर यहाँ पे शो कर दे तो हमें खुशी। लोग आ गए, ये लोग इसकी चीज़ें को रीड वगैरह कर रहे हैं, जो लिखी इनको समझ बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि जर्मन भाइयों की C1 लेवल है, इसलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है इनको पढ़ने में। अच्छा यार कोहली यार 95 पे आउट हो गया, मतलब ये क्यों होता है, सेंचुरी होनी चाहिए थी उसकी यार। ये देखिए मेरे दोस्त मैप देख रहे हैं,
ये वर्ल्ड के बेस्ट मैप रीडर्स हैं, ये हरून भाई हैं जो इनको सेफ्टन भाई। वाह नाइस हरून भाई यार, ये देखो इन्होंने बान ऑफ पे कितनी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है, अमेजिंग यार। तो यार अभी हम लोग घूम वगैरह के वापस आ गए हैं, देखिए मौसम कितनी ज़्यादा यार तेज बारिश हो रही है कसम से, जर्नी का मौसम बारिश और आपको इस तरह हो गए रहना पड़ता है। ये सारे हमारे भाई घूम के आ गए, कैसा लगे तुम्हें घूम के? बहुत अच्छा लगे इनको। लेकिन चलो हमारे बुरान भी तो चले गए, इंशाल्लाह आपको उनसे मिलवाएंगे डिनर भी, उन्होंने इनविटेशन भी दिया है। बुरान भी बहुत स्पेशल लोगों को सिर्फ बुलाते हैं, उसने कहा आप उसको मत लेके आना तो नहीं लेके जाएंगे। होपफुली यार आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तुम सारे कर दो। चूसी।